एक जीव अपने पास आते हैं ध्यान के अंदर बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि हम ऊपर चले गए ध्यान में बैठे हुए, तो ध्यान में धर्मराज दिखाई दिए, दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, लाइन लगी हुई थी लंबी, एकदम से उसके सामने ले करके गए और धर्मराज कर्मों का न्याय कर रहे। जब कर्मों का न्याय चल रहा तो धर्मराज ने मेरी ओर देखा और कहा कि अगर कोई कुछ सत्संग तुम्हें प्रदान कर दे, उसका पुण्य प्रदान कर दे कुछ पल का, तो जो आज का तुम्हारा कर्म है वो टूट जाए और तुम बच जाओगे। कि मैंने जो नाम दिया था उसको रटना शुरू किया और याद किया रूप को, गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पल विसरावे नहीं जब वो होए अधीर। तो एक पल लगता है चढ़ाई होने में, क्योंकि आना जाना शरीर का नहीं होता, आना जाना सुरती का और आत्मा का होता है। वो आत्मा वहाँ पहुँची, शब्द वहाँ प्रकट हुआ और जो बोला था वो काम हो गया और वो वापस आया और भागता हुआ आया मिलने के लिए कि ये घटनाएं हुई। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, देख लो तुम, तुम्हारे साथ हुआ है। इस प्रकार की जब घटनाएं होने लगती हैं जीव के साथ, जब खेल शुरू होते हैं, तब पता चलता है कि सत्संग का कितना महत्व होता है, नाम की कितनी ताकत होती है, नाम में कितनी अक्षमता होती है, गुरु की क्या चढ़ाई होती है, क्या स्थिति होती है। नित्यानंद ने तो दादू के बोले हुए एक एक वचन के ऊपर मोहर लगा दी, कहाँ दादू हुए किस समय के ऊपर, कब कबीर हुए और कब नित्यानंद हुए। उन्होंने तो सीधा बोल दिया, अमरपुरी के चौक में दादू का निशान, नित्यानंद देखी कहे समझे संत सुजान। कि मैंने आँखों से देखा है उनको, उस निशान को, दादू की चढ़ाई को, जो ये समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कोई कोई ही होगा। पुकार पुकार करके बोला है,